इंटरनेशनल लेवल का फर्स्ट जो है लाहौर में थीम पार्क होगा वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। 600 कनाल का यहाँ पे सेंट्रल पार्क बनाया जा रहा है और वाटरफॉल पार्क बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रवेश खालिद यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट की अपडेट शेयर करने जा रहे हैं जो कि लाहौर में लॉन्च हो चुका है। इससे पहले भी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं, तो जो हमारे क्लाइंट व्यूअर इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी और एक ऐसे प्रोजेक्ट का पता चलेगा जिसमें इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर चल के आपको डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। चाहे आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सोचें या चाहे आप एक अच्छी प्रॉपर्टी अपने लिए रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सोचें या आप कोई कमर्शियल लेना चाहें जिसमें इन फ्यूचर आप बिज़नेस कर सकें या जिसमें आपको जाके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सके इन्वेस्टमेंट पे जिसमें आपको अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट भी की होगी और कुछ के लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन होगी कि लाहौर में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा कामयाब होने के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से हबीब रफीक ग्रुप अब लाहौर में लेके आए हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाया जा रहा है और इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त सुपर हॉट लोकेशन है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नियरेस्ट टू रिंग रोड, नियरेस्ट टू लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, नियरेस्ट टू लाहौर से आलकोट मोटरवे और नियरेस्ट टू जीटी रोड पे इसकी लोकेशन बनती है और ये लाहौर बाईपास के बिल्कुल साथ ही ये इसकी लोकेशन है जहाँ पर ये लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से बनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके डेवलपर हैं हबीब रफीक ग्रुप और उनसे बहुत से लोग ऑलरेडी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि इनकी डेवलपमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बहुत ही बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में और बहुत ही अच्छे किस्म की ये डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो इस हवाले से ये जो अब इनका अपना प्रोजेक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी में, इसमें बुकिंग्स वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ ऑलरेडी पहले बुकिंग आई थी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जिसकी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से, वो ऑलरेडी ये बॉन्ड पर चल रहा है। अभी जो रिसेंटली इसमें डील लॉन्च की गई है वो कमर्शियल की गई है जिसमें 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए हैं बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर। 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसकी डिटेल, उसकी पेमेंट प्लान और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी एक किस किस्म का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना चाहेंगे ये 400 फुट चौड़ी रोड पे 18 लेन की इसकी मेन जो है सेंट्रल बुलेवार्ड्स बन रही हैं और टोटली ये एक इंटरनेशनल तर्ज की सोसाइटी बनाई जा रही है जो कि यूरोपियन और अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ज़ेरे निगरानी में बनाई जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको इसकी बताया, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, प्लस इसमें जो डिफरेंट किस्म की अमेनिटीज़ आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक इंटरनेशनल लेवल का फर्स्ट जो है लाहौर में थीम पार्क होगा वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। 600 कनाल का यहाँ पे सेंट्रल पार्क बनाया जा रहा है और वाटरफॉल पार्क बनाया जा रहा है। डिफरेंट किस्म के इसमें मॉल्स बनाए जा रहे हैं और जो है एंटरटेनमेंट की चीज़ें बनाई जा रही हैं। ऐसी ऐसी इसमें ऑप्शंस दी जा रही हैं जो अब से पहले लाहौर में कभी भी किसी भी सोसाइटीज़ में ना आपने सुनी होंगी ना देखी होंगी। तो उस तरह की डेवलपमेंट यहाँ पे की जा रही है और जो बेसिक डेवलपमेंट है लाइक अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 बिजली पानी गैस और बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब कुछ तो है ही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी को मद्देनज़र रखा जा रहा है लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, सिनेमा, पार्क, ये तमाम चीज़ें आपको सोसाइटी में ही मिलेंगी। अगर हम कहें कि ये एक किस्म की लाहौर में एक मिनी सिटी बनने जा रही है तो ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल की जो हैं वो डेवलपमेंट की जाएगी और उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो कि एक टॉप लेवल की सोसाइटी में होनी चाहिए। तो इस हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है और डिफरेंट तरह की यहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं जिससे आप फुल एंटरटेन हो सकते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिदों का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे मस्जिद बनाई जाएंगी और इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो दी जा रही हैं। अभी रिसेंटली जो डील दी गई है वो कमर्शियल की 3.5 साल के ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर है दोनों ब्लॉक्स में। अभी तक इसके 2 ब्लॉक्स लॉन्च हो चुके हैं जो कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है और ओवरसीज़ ब्लॉक है।
एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स दोनों ही अवेलेबल हैं, जिसमें आप बुकिंग करा सकते हैं 5 मरला 7 मरला 10 मरला 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और कमर्शियल में 4 मरला 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की बुकिंग है वो 8,95,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट रखी गई है। टोटल प्राइस जो इसकी थी वो 89,50,000 थी। 10% डाउन पेमेंट दे के आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं और 3.5 साल का ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। और इसी तरह जो ओवरसीज़ ब्लॉक का है उसकी 5 लाख रुपये ज़्यादा प्राइस है, वो 94,50,000 उसकी टोटल प्राइस है, और 10% डाउन पेमेंट यानी 9,45,000 दे के आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, इसके लॉन्च होते ही मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हाइप देखी गई है और बहुत ही ज़्यादा बल्क में लोगों ने इसकी बुकिंग करवाई है, क्योंकि इस प्राइस में 4 मरले का कमर्शियल डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। और अगर आप 8 मरला लेना चाहें तो 8 मरले का भी सिनेरियो है कि उसकी भी आप 10% बुकिंग दे के इसकी बुकिंग करा सकते हैं, और बाकी पेमेंट आपने 3.5 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान में देनी है। तो इस हवाले से इस प्राइस में, जिस प्राइस में यहाँ पे कमर्शियल दिया जा रहा है, नो डाउट ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, और इन फ्यूचर चल के इसकी जो प्राइसेज है उसमें बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दें तो जैसे ही इस्लामाबाद वाली कैपिटल स्मार्ट सिटी लॉन्च हुई थी तो देखा गया था उसमें भी बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स का, और देखते ही देखते उसमें काफ़ी ऑन चला गया था, और अब जाके उसमें 50 लाख 60 लाख रुपये तक ऑन चल रहा है जैसे जैसे उसमें टाइम गुजर रहा है और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो इसी तरह एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये लाहौर में जो कमर्शियल की डील है इसमें इससे भी ज़्यादा हाई क्रिएट होगी, और जैसे जैसे इसका टाइम गुजरेगा डेवलपमेंट होगी इसकी ऑन मनी में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आ जाएगा, और जैसे ही ऑन ग्राउंड आएगा तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसमें अभी जो मार्केट में ऑन चल रहा है वो डिफरेंट वेरी कर रहा है, डेली बेसिस पे जो वेरिएशन है वो प्राइसेस में आती है, ऑन मनी फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी जो नॉर्मली इसकी प्राइस चल रही है वो 10 लाख 12 लाख रुपये इसमें ऑन चल रहा है, लेकिन अभी हमारे मुताबिक ये ऑन कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो हमारे क्लाइंट इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने में, जो चाहते हैं वो भी इंस्टॉलमेंट पे कोई कमर्शियल ले लें जो इन फ्यूचर चल के उनको बहुत अच्छा बेनिफिट दे, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल न्यू डील्स में से डील है। आगे इन फ्यूचर जो एक्सपेक्टेड है कि इसमें और बहुत सी डील्स आएंगी, लाइक लाहौर स्मार्ट सिटी विलाज आएंगे, होम्स आएंगे, और डिफरेंट प्लॉट्स की जो इंस्टॉलमेंट्स पे डील आएंगी उसकी एक तो प्राइसेस इससे ज़्यादा होंगी, और डेफिनेटली ये जो पहले डील आई हुई हैं इनकी डेवलपमेंट भी पहले होंगी, इनके पोजीशन भी पहले आएंगे, और इनकी डिलीवरी भी पहले होगी। तो इस लिहाज से इनमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल जो है वो आ सकता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा निकल सकता है। तो इस हवाले से आपको बताना चाहेंगे, इसका पेमेंट प्लान आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल गया है, और मज़ीद कोई डिटेल्स चाहिए हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और इन फ्यूचर जो इसमें डील्स आएंगी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की होंगी या कमर्शियल प्लॉट्स की होंगी या जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगी, हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस हवाले से भी आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आप न्यू बुकिंग्स में बुकिंग कराना चाहते हो अपने आपको, आप हमें कॉल करके अपनी डिटेल्स बता के रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे, अभी जो बुकिंग चल रही है ये बिल्कुल ओपन बुकिंग है, डायरेक्ट कंपनी से आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो रही है, इसके लिए आपको फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे कुछ ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि अगर हम परचेज़ करना चाहें और हम पाकिस्तान नहीं आ सकते तो इसका क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया आपको बता देते हैं, सिंपली जो इसकी डाउन पेमेंट और जो ऑन मनी है वो आप हमें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स CNIC पिक्चर और नॉमिनी की डिटेल्स आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके नाम पर रजिस्टर्ड होके इसको आपके नाम पर रजिस्टर्ड करवा के जो फाइल्स हैं वो आपको डिस्पैच कर दी जाएंगी, कोरियर कर दी जाएंगी, तो आप बैठे बैठाए इसमें बुकिंग करा सकते हैं और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू।